आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज की जो है सबसे अपडेट और सबसे बड़ी खुशखबरी आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो है थर्ड लिस्ट का जो एडमिशन डेट आपका जो था 12-13 तक था, उसको बढ़ाकर जो है अब 15 तक जो है कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी अपडेट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों के लिए कि वैसे बच्चे जिनका जो है अभी तक एडमिशन नहीं हो गया था, किसी कारणवश जो है स्लाइड अप करने के बाद थर्ड लिस्ट में एडमिशन नहीं ले पाए थे या सेकेंड लिस्ट में जो एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो वैसे बच्चों को जिनका अपरिवर्तित रह गया या थर्ड लिस्ट में नाम आने के बाद एडमिशन नहीं ले पाए, उनके लिए 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी कि आज आपका 14 तारीख है और कल आपका 15 तारीख है, तो आपका एडमिशन अब जो है कल तक होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड आपका जो 23 से 25 सेशन की जो आपका एडमिशन प्रक्रिया चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी आपको ये है कि थर्ड लिस्ट में एडमिशन डेट जो है बढ़ा दिया गया है और आखिरी मौका है आप सभी लोगों के लिए। थर्ड लिस्ट का जो आपका एडमिशन तिथि है वह बढ़ा दिया गया है और आप सभी लोगों के लिए आखिरी मौका है। और स्पॉट एडमिशन कब से होगा उसके भी अपडेट जो है बोर्ड ने जारी कर दिया है। अभी मैं आपको नोटिस की तरफ ले चलता हूं। चलिए नोटिस की तरफ हम ले चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, नोटिस मोटा मोटी तौर पर समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको नोटिस समझा देता हूं। देखिए ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है नोटिस जारी किया गया है, साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि देखिए जो चीजें कही गई है मैंने यहां पर लिख दिया है स्पष्ट रूप से, और उसके बाद इसको भी हम आपको पढ़कर बता देंगे। सबसे पहले बात यह जान लीजिए कि एडमिशन डेट जो है बढ़ा दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं कि तृतीय चयन में ऐसे अभ्यर्थियों जिनको जो है नामांकन जो है नहीं ले पाए थे, उनका एडमिशन जो है अब 15 तक जो है निर्धारित कर बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले अपडेट यह जान लीजिए कि एडमिशन का डेट जो है अब आपका 15 तक हो गया थर्ड लिस्ट का, और सुरक्षा राशि जिन्होंने 3,000 रुपये जमा किया है उसके बाद जितना बकाया राशि है वह कल तक जो है जमा करके अपने कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। चाहे वह बच्चे जो थर्ड लिस्ट में नाम आया था या वह बच्चे जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम आया था, थर्ड लिस्ट के लिए जो है स्लाइड अप किए लेकिन थर्ड लिस्ट में उनका नाम जो है अपरिवर्तित रह गया यानी कोई बदलाव नहीं हुआ, तो अपने सेकेंड लिस्ट वाले कॉलेज में ही जाकर बकाया राशि जमा करके जो है आप अपना एडमिशन ले लीजिए। नहीं तो बोर्ड ने साफ साफ तौर पर यहां पर मना किया है कि वैसे बच्चे जिन्होंने बकाया राशि जमा किया है और वह संस्थान में नामांकन हेतु इच्छुक नहीं है, और वैसे आवेदकों का नामांकन संस्थान में रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही साथ उनके द्वारा जमा किया गया 3,000 रुपये जमा जो है जो मतलब सुरक्षा राशि इन्होंने जो 3,000 रुपये दिया है वह जब्त कर लिया जाएगा। साफ साफ तौर पर जो है यहां पर बोल दिया गया है कि वैसे बच्चे जो 3,000 रुपये दिए थे, स्लाइड अप किए थे, दूसरा कॉलेज आया है तो वो नाम नहीं लिखा रहे, तो उनका जो है एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा कल के बाद, और उनका 3,000 रुपये भी जो है जब्त कर लिया जाएगा। समझ गए? तो आप सभी लोगों के लिए अंतिम मौका, जो बच्चे का सेकंड लिस्ट में नाम आया था और अपरिवर्तित रह गया थर्ड लिस्ट में उनका भी एडमिशन, और जिनका थर्ड लिस्ट में नाम आया है अगर छूट गया है तो आपके लिए भी एडमिशन का आखिरी मौका है 15 तक यानी कल तक जो है आप एडमिशन करवा सकते हैं, और ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो है आखिरी उम्मीद, आखिरी जो है आपको मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर जो है नीचे देखिएगा, बात स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि जितने भी कॉलेज के प्रधानाध्यापक चाह रहे हैं उनसे निवेदन करता है कि आप जो आपका अपग्रेडेशन का काम है यानी अपडेट करने का काम है बोर्ड को कि हमारे कॉलेज में कितने सीट रह गए, कितने खाली रह गए स्पॉट एडमिशन के लिए, वो पहले आपका जो था 13 तारीख था, कल था, लेकिन अब आपका जो है 16 तारीख यहां पर कर दिया गया है। यानी कि जो आपका अपडेट का तिथि बढ़ा दिया गया है, 16 तारीख को जो है सारे कॉलेज अपडेट कर देंगे, उसके बाद आपका जो है स्पॉट एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है स्पॉट एडमिशन 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि 20 दिसंबर से आपका स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होने की अनुमान तिथि है। समझ गए? तो सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि वैसे बच्चे जिनका थर्ड लिस्ट में नामांकन नहीं हो पाया था, वैसे बच्चों के लिए नामांकन तिथि बढ़ा दिया गया है, कल तक आप एडमिशन करवा सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको ग्राफ के माध्यम से बता दूं, देखिए वैसे बच्चे जिनका जो है थर्ड लिस्ट में नाम आया था, थर्ड लिस्ट में क्या हुआ था, आपका जो है नेम आया था और आपने जो है थर्ड लिस्ट में नाम आया, आपने एडमिशन से छूट गया, तो आपका एडमिशन छूट गया तो 15 दिसंबर तक जो है आप एडमिशन करवा सकते हैं, या आपका अपग्रेड है। साथ ही साथ वैसे बच्चे जिन्होंने जो है सेकंड लिस्ट में नाम आया, सेकंड लिस्ट में क्या हुआ, नाम आया लेकिन थर्ड लिस्ट में क्या हुआ, थर्ड लिस्ट में उन्होंने जो है स्लाइड अप किया कि थर्ड लिस्ट में मुझे स्लाइड अप करके बेहतर कॉलेज मिलना चाहिए, लेकिन इनका जो है क्या हुआ, अपरिवर्तित रह गया, अपरिवर्तित। समझ गए?
अपरिवर्तित रह गया, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चों को सेकंड लिस्ट में जिनका नाम आया था जिस कॉलेज में, वह 3000 रुपये जमा किए थे, बाकी रुपया नहीं जमा किए हैं, तो वह बाकी रुपये जमा करके कल तक यानी 15 दिसंबर तक जो है आप अपना एडमिशन कन्फर्म करा लीजिए, अन्यथा आपका पैसा 3000 रुपये जब्त हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। स्पॉट एडमिशन की बात करेंगे, तो पहला आपका जो स्पॉट एडमिशन के लिए अपडेट था वो आपका जो है 13 तारीख को अपडेट करना था कि 13 तारीख को सभी कॉलेज जो है बोर्ड को अपडेट कर देगी, लेकिन अपडेट बढ़ गया है 16 तारीख को, यानी 16/12/2023 को जो है अपग्रेडेशन का काम होगा, यानी 16 तारीख को सारे कॉलेज अपडेट कर देंगे, मेरे कॉलेज इतना सीट खाली रह गया, तब जाकर जो है आपको 20 दिसंबर से आपका जो है स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होने की तिथि है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि यहां पर आपका नोटिस बोल रहा है, यहां पर 16 तक अपडेट करना है, 16 यानी 15 तक एडमिशन होगा, 16 को सारा कॉलेज अपडेट कर देगा, 1 या 2 दिन में आपका जो है नोटिस आ जाएगा स्पॉट की, और 20 तारीख से आपका शायद स्पॉट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए कि आपका जो है थर्ड लिस्ट वालों के लिए डेट बढ़ा दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, टेक केयर।